गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज लॉजिक गेट में आगे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरे चैनल आईटीआई इलेक्ट्रिशियन उदय सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो क्वेश्चन पर डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जवाब देना मेरा काम। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए। एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, पहले इसको समझते जाइए। ये जो चित्र है यदि ए बी दिया जा रहा था तो आउटपुट में मिल क्या रहा था? ए इंटू बी मिल रहा था, ओके है। और ए इंटू बी मिल रहा था, ए प्लस बी मिल रहा था, जोड़ होगा ना, जोड़ होता है और गेट। ठीक है, अब इस और गेट में क्या था, यदि ए और बी दोनों का इनपुट जीरो हो तो आउटपुट हमारा जीरो मिल रहा था, जोड़ेगा। जीरो वन हो तो वन मिलता है, वन जीरो हो तो वन मिलता है, वन वन हो तो टेन हो जाता है, टेन का मतलब वन। ओके, अब देखिए इसमें सिस्टम कैसे समझा रहा है। पूछा जाता है कि और गेट समानांतर होता है कि श्रेणी होता है, तो और गेट जो है वो आपका यदि दोनों खुले परिपथ हो आउटपुट क्या हो जाता है? ठीक है, आपको चित्र बनाते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि और गेट श्रेणी क्रम में स्विचिंग सिस्टम होती है, समांतर क्रम में एक स्विच बनाने जा रहा। यहां आपको मैंने सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद किस नाम से आता है मेरा नाम होगा सर 63 है लास्ट में जी, क्या नाम बचे इसे उठा लो छोटे भाई। फिजिक्स सिस्टम में आपको ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसका ट्रुथ टेबल 001 बताया तो 0 हुआ, दोनों को जोड़ा गया तो 1 हुआ, दोनों को जोड़ा गया तो 1 हुआ, यहां पर जोड़ा गया तो 1/10 होता है, यानी हाई कंडीशन। 1 आपको हाई कहा जाता है, 0 को आपको लो कहा जाता है। अब देखिए स्विचिंग सिस्टम पर कैसे सिखा रहे हैं, ये आपका बल्ब है। अब हम देखेंगे कि ये बल्ब क्या, जो मैंने ये चित्र आपको जो लोग स्विच श्रेणी क्रम की तरह लगा है, समानांतर की तरह और ऐसे कुछ होता तो कैसे बोलते श्रेणी क्रम, समांतर, ये एंड और में ही है, और किसी में इस तरह का स्विच सिस्टम नहीं करना है। देखिए इस चित्र को मैंने ऐसे कैसे बदल दिया, क्या ये जो चित्र है मैं सही बनाया हूं अथवा गलत बनाया हूं, इसका ध्यान रखिए। देखिए 0-0 का मतलब दोनों स्विच खुले हैं, तो दोनों स्विच खुले तो क्या यहां से सप्लाई होके इस पर जाएगी? नहीं जाएगी। यानी पहले कंडीशन के तो मेरा सही है, क्या दूसरे कंडीशन में ऐसा है? ध्यान दीजिए 0-1 तो एक की जगह पर क्या है? जीरो। एक की जगह पर जब जीरो है, एक की जगह पर क्या है? जीरो है। एक की जगह पर जब जीरो है, एक की जगह पर जीरो हो गया, अब ये इस बगल से इस बगल जाएगा, एक की जगह पर ये क्या हुआ है? खुला हुआ है, क्या है ये आपका? खुला हुआ है, तो ये तो खुला हुआ है, इधर सप्लाई तो नहीं जाएगी, और ये क्या है? बंद है। जब ये बंद हो जाएगा ऐसे तो सप्लाई इधर से इधर चली जाएगी, यानी बल्ब क्या होगा? यहां पर भी बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। अब वन ये वाला बन गया, ये अब आपका क्या हो गया? बंद हो गया, और ये आपका अब खुल गया, तो सप्लाई अब पहले नीचे से जाती थी, कहां से जाएगी? ऊपर चली जाएगी, तब ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा, आपका बंद जल गया। जब दोनों बंद हो, ध्यान दीजिए, जब दोनों ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया, सप्लाई बंद करेगा तो इधर से चल जाएगी या इसको दिशा मिलेगी, अब डिपेंड करेगा प्रतिरोध, जिधर आसान रहेगा उधर तेजी से लगेगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध। यानी और गेट में समानांतर की तरह से चीज सिस्टम कार्य करता है, सही है? एक बार और बता दें, ध्यान से पढ़ते हैं। कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्या था? 0-0, पहला कंडीशन था 0-0, यानी दोनों स्विच खुले हो। जब ये दोनों स्विच खुले, यहाँ सप्लाई तो जाएगी प्रैक्टिकल की मदद से, दोनों स्विच खुले हो तो क्या यहाँ सप्लाई जाएगी? नहीं जाएगी। अतः यह बल्ब क्या होगा? यहाँ पर बल्ब चल रहा है? नहीं चल रहा है। बात सही है,
नहीं चल रहा है। अब पहला कह रहा है कि स्विच खुला हो और दूसरा स्विच क्या हो, वन वाला बंद हो। ये स्विच खुला हो ए वाला, और बी वाला क्या हो, बी वाला बंद हो जाए। सप्लाई इधर से जा करके बल्ब क्या होने लगेगा, जल रहा है। यहाँ पर भी बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तीसरे कंडीशन में ए बराबर बंद हो गया है, ए बराबर मान लीजिए स्विच ये बंद है, ये स्विच बंद है, दूसरा वाला स्विच क्या है, खुला है। यहाँ से तो सप्लाई अब इधर से नहीं जा पाएगी, इधर से जाएगी तो फिर बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। यहाँ पर बल्ब जल रहा है। चौथे में दोनों स्विच बंद हो, यानी ये भी बंद हो और ये भी बंद हो, सप्लाई इधर से भी जा सकती है, इधर से दोनों कंडीशन बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ये तो पूछा जाता है ये आपको ये स्विच कैसे लगे, ये स्विच आपको समानांतर में रखना लगे, ये चित्र दे दे, बोल दे कि यह परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट परिपथ, या तो वाइवा में एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि और गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ, एक बैटरी बना देना, बैटरी के साथ दो स्विच समानांतर क्रम में लगा देना, इसके साथ एक बल्ब लगा देना, ये आपके लिए हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको मैं और गेट पर एलिगेट समझाऊंगा, गेट का स्विचिंग सिस्टम एलिगेट। 1 मिनट बोल दिए तो आने लगा। एंड गेट में दोनों इनपुट का क्या होता है, मल्टीप्लाई, दोनों जो इनपुट का पूरा। अब इसका जो स्विचिंग सिस्टम है, जो एक ऊपर बन रहा था एक नीचे बन रहा था, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके अब देखिए ये दोनों इनपुटों का गुणा कर रहा है, ए में और बी और इधर वाई, दोनों इनपुट जीरो जीरो हो गए, आउटपुट क्या होगा, जीरो और वन हो गए, आउटपुट जीरो 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 हो गया। यस वेरी गुड, दोनों मल्टीप्लाई होगा, वन जीरो दो गए तो जीरो होगा और दोनों वन वन। देखो दोनों यदि स्विच खोले रखोगे, जीरो जीरो बंद, दोनों स्विच खुले रखोगे, दोनों खुले रखोगे बंद चलेगा, वेरी गुड, नहीं चल रहा। यहाँ पर भी एक स्विच को खुले रखो, एक को बंद रखो, एक को खुले रखो और एक को बंद रखो, यहाँ से सप्लाई पास ही नहीं करेगी, तभी भी नहीं चलेगा। तीसरे में पहले को बंद रखो और दूसरे को खोल दो, पहले को बंद रखो और दूसरे को खोल दो, तभी भी बंद नहीं चलेगा। दोनों बंद कर दो, यानी दोनों स्विच को बंद कर दो, इस पर बंद कर दिए, इस पर तार जुड़ गया, आसानी से अतः जो एंड गेट का सर्किट सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम का देगा कि एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम बनाइए, तो इस आपके सप्लाई के साथ ये दोनों स्विचिंग सिस्टम क्या रहेंगे, इंटीग्रेटेड क्रम में रहेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल एंड गेट का इलेक्ट्रिकल, एंड गेट का सिंबल हो गया, तो ये एंड गेट का सिंबल हो गया, लेकिन एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोल दे कि एंड गेट के लिए क्रॉस क्वेश्चन है, एंड गेट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोनों स्विच किस क्रम में होते हैं, तो दोनों स्विच श्रेणी क्रम में रहते हैं, उसके दोनों क्रम समानांतर क्रम में रहते हैं। आपके ड्राइंग के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाइए, तो ये श्रेणी एंड गेट का इलेक्ट्रिकल श्रेणी में बनाओगे और गेट का समानांतर में बनाओगे। ओके डन है, क्लियर हो गया। एक इनपुट एक जीरो है तो इनपुट में वन, वन दोगे तो जीरो, ए दोगे तो ए बार, यानी आपको एक सिंपल सा समझाएगा, जीरो का बार को पूछेगा तो वन बताइएगा और वन का जो बार पूछेगा तो जीरो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और इसमें आप हम आपको थोड़ा सा और एंड गेट का ही एक ग्रुप का है, गेटों में नैंड गेट और का है नौ, बस ये दो टॉपिक 3 या 4 मिनट लगेगा, ध्यान से ये चित्र बनाऊंगा, उसका सिंबल बनाऊंगा, सेम यही चीजें हैं, थोड़ा सा चेंज करूंगा और ये सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, ध्यान रखिए। एंड का ट्रुथ का है नैन, और बताइए एक प्रश्न और, नैन नैन के और नॉर गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। यस वेरी गुड, नैन और नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ठीक है, और गेट पर पूछे लॉजिक गेट, गेट का तो लॉजिक गेट एक प्रकार का स्विचिंग सिस्टम होता है, जो श्रेणी अभी मैंने दिखाया, जो श्रेणी परिपथ में काम कर सकता है, समानांतर में कर सकता है, मिश्रित में कर सकता है, एक तरह का मोटा मोटी स्विचिंग सिस्टम होता है।
क्या होता है स्विचिंग सिस्टम। आपको मैं एक श्रेणी में उदाहरण दिखा दिया, एक लड़कों को इतना पता है तो वो पता है। अब नेट पर मैं चल रहा हूँ, नेट और नॉट को क्या कहेंगे, नेट और नॉट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इससे पूछा जाए नेट और नॉट क्या है, तो यूनिवर्सल गेट है, बार बार बता रहा हूँ क्या है, यूनिवर्सल गेट है। लेकिन आपसे जब सवाल ये पूछा जाए कि बेसिक गेट किसे कहते हैं, तो एंड और नॉट को बेसिक कहते हैं। तो प्रश्न है यूनिवर्सल गेट और बेसिक गेट, बेसिक का मतलब सामान्यता गेट, एंड और नॉट को बेसिक गेट कहते हैं, जिसमें से नॉट गेट को इन्वर्टर गेट या कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं, जिसमें एक लौटा पांच और सातों गेट में से एक लौटा ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट उल्टा मिलता है। जीरो देंगे तो वन मिलेगा, वन देंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो देंगे तो जीरो का बार वन हो जाएगा, वन का बार जीरो हो जाएगा। अब नेट गेट पे चल रहा हूं, नेट गेट एंड याद कीजिए, एंड कुछ ऐसे होता था, एंड डी की तरह का होता था, नेट लगा दिया, नेट में यहां पर बार हो जाएगा। इनपुट में ए और बी देते थे, आउटपुट में हमारा ए इनटू बी हो जाता था, जब पावर लग गया तो इसमें बार चला जाएगा, जस्ट एंड का ये नेट उल्टा हो जाएगा। याद कीजिए ये भी होगा, दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन का उल्टा हो जाएगा, दोनों का जो बुरा होता है उसका उल्टा हो जाएगा। वन मिनट, ए और बी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीरो और जीरो, जीरो और जीरो का गुणनफल कितना होगा जीरो, लेकिन जीरो का बार वन हो जाएगा, जीरो और वन का गुणनफल जीरो, लेकिन फिर जीरो आएगा, जीरो के ऊपर क्या चढ़ा है बार, फिर हो जाएगा वन, वन और जीरो का गुणनफल आएगा जीरो, फिर जीरो का बार क्या हो जाएगा वन, लेकिन वन वन का गुणनफल वन और वन का उल्टा जीरो। यही एक ऐसा गेट है जिसके दोनों इनपुट हाई होने पर भी आउटपुट क्या होता है लो होता है। क्लियर हो गया, दोनों इनपुट हाई होने पर भी आउटपुट क्या होगा लो होता है। इसको उतार लीजिए आपको, ये देखिए दोनों इनपुट देखिए, पर नैंड गेट, नैंड गेट में आप ध्यान देंगे, नैंड गेट में दो इनपुट है, दो इनपुटों के बाद एक बबल लगा हुआ है, इसका जो आउटपुट आएगा वह वाई बराबर ए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये आपका जो मैं बनाया हूँ, ए के जगह पर चार कंडीशन होंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आउटपुट निकलेगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आउटपुट निकलेगा। और इस टेबल को बोलते हैं ट्रूथ टेबल, इस टेबल को बोलते हैं ट्रूथ टेबल, या हिंदी में कहते हैं इसको सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। ओके, इसको क्या बोलेंगे सत्यता सारणी बोलेंगे। और आप आगे ध्यान देंगे, इसमें आपको एंड गेट मैंने बता दिया, दोनों इनपुट को दोनों इनपुट लिखा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दोनों इनपुटों का गुणनफल और गुणनफल का उल्टा, जीरो जीरो का गुणनफल जीरो और जीरो का बार वन, जीरो का बार वन होता है और वन का बार जीरो होता है। ये आपका जो है वो नेट गेट है। और नेट गेट के बाद एक लास्ट गेट, कल जो दो प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, नेट के बाद और का ग्रुप का है नॉट, नॉट और में दोनों को जोड़ते थे, एंड में दोनों को गुणा करते थे, एंड में तो अभी भी गुणा हो रहा है, लेकिन नैंड लग गया तो बार लग गया, तो और में दोनों को जोड़ते थे, नॉर में दोनों को जोड़ करके बार लगा देते थे। आज के टॉपिक में नॉर गेट, नॉर गेट का सिस्टम है, और तो आपको याद ही है, और तो आपको याद ही है, लेकिन इसके पहले क्या लिखेंगे, ओके इनटू बी, आउटपुट क्या होगा ए इनटू बी का, ए इनटू बी का क्या हो जाएगा प्लस, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल बार, ठीक है। जीरो ए दे दिए हमने, बी दे दिया जीरो जीरो, और वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होगा। अब देखिए जीरो जीरो को जोड़िएगा तो जीरो होगा, जीरो जीरो क्या कह दीजिए, जीरो जीरो को जोड़ेगा तो क्या होगा जीरो होगा, लेकिन जीरो का उल्टा वन, और जीरो को जोड़िएगा तो वन, और वन का उल्टा, अब वन, सॉरी
वन जीरो कर दीजिए, यहाँ पर जीरो और वन करना चाहिए, सॉरी कोई बात नहीं, जीरो के बाद वन वन कर दीजिए, वन जीरो का भी वन जीरो जोड़ोगे तो वन आएगा, वन का उल्टा जीरो, और वन वन को जोड़ोगे तो वन वन का उल्टा जीरो। यही एक ऐसा गेट है नॉर गेट, जिसके दोनों इनपुट लो होने पर भी आउटपुट हाई हो जा रहा था, जबकि नैंड में दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो हो जा रहा था। ये इसका ट्रुथ टेबल है, इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसको जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा किताब से, उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठेगा, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए।